गाइस यार ये क्या हो रहा है, लगता है हम लोग इस बार फिर से किसी और डायमेंशन में पहुंच गए। भाई साहब आउच। अबे यार मेरा सर चकरा रहा है, ये मैं हूँ कहाँ पर? और एक मिनट, मैं तो ऐश बन चुका हूँ, इसका मतलब हम लोग पोकेमोन के डायमेंशन में। तो गाइज मैं तो समझ गया हूँ, अभी आप भी समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमको करना क्या है। अभी तक मेरे पास एक भी पोकेमोन नहीं है, और अगर हमें इस डायमेंशन में सर्वाइव करना है तो पोकेमोन तो जरूरी है। चलो एक काम करता हूँ, फटाफट से अपना फोन निकालता हूँ और देखता हूँ कि मुझे कहाँ पर कौन मिल सकता है। अबे यार ये सब तो अलग अलग जगह पर बिखरे हुए है, पर कोई बात नहीं, हम लोग इन्हें ढूंढ ही लेंगे। सबसे पहले जाते सबसे नजदीक वाली लोकेशन पर। तो चलो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूँ, पर इतना देर तक चलने की वजह से मुझे एकदम जोर की प्यास लगी है। यहाँ पर एक घर है, इनसे बात करके देखता हूँ, पानी तो पिला ही देंगे। हेलो, कोई है घर में? अबे यार कोई सुन भी रहा है या नहीं? हेलो, सब बहरे क्या यहाँ पर? देखो गाइस प्यास तो गजब की लगी है, पानी तो मुझे किसी भी हालत में चाहिए। एक काम करता हूँ अंदर जाके देख लेता हूँ, कोई है घर में? ओ भाई साहब, गाइस ये तो हिटमोन चैन है ना, मुझे लगता है पहले पोकेमोन की जो लोकेशन आ रही थी ना वो इसी की थी। एक बात बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं यही पर रहता हूँ, ये मेरे मालिक का घर है, पर वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। देखो बुरा मत मानना, मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ, तुम्हारे पास फिलहाल कोई मालिक नहीं है और मेरे पास कोई पोकेमोन नहीं है, तो हम दोनों मिलके एक साथ काम कर सकते हैं। क्या तुम सही कह रहे हो, मजाक तो नहीं कर रहे है? तुम मुझे कहीं बेचोगे तो नहीं? अरे यार नहीं नहीं, पागल हो गया है क्या? तो फिर ठीक है, मैं तैयार हूँ। चलो गाइज ये मान गया है, अब जल्दी से अपना पोकेबॉल फेंकते हैं और ये आ जाओ इसके अंदर। चलो गाइज एक पोकेमोन तो मिला, अब यहाँ से निकलते हैं। अब हमें चेक करना होगा कि दूसरी लोकेशन कहाँ पर है, फटाफट देखते है। ये रही गाइज वो जगह, यहाँ से थोड़ी दूर है, मतलब इतनी भी नजदीक नहीं है जितनी पहली थी। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कौन सा पोकेमोन मिलने वाला है, पर अच्छा है कि ये सरप्राइज ही रहता है, कम से कम जब मैं लाइव देखता हूँ तो मजा तो आता है, ऐसा लगता है कोई सस्पेंस खुल गया है। ओ भाई साहब, अबे ये क्या है? ऐसा लग रहा है यहाँ पर तो जियोडूड की खेती कर ली है, या फिर शायद ये किसी टाइप का जिम होगा जहाँ पर इन्हें ट्रेन किया जा रहा होगा। देखो ये तो किसी और के ही होंगे, तभी इन्हें ऐसा रखा गया है। एक काम करते आगे जाकर देखते हैं, शायद कहीं और पर मिल जाए, क्योंकि अगर यहाँ से लेंगे तो कोई हमारी पिटाई भी कर सकता है, ये तो चोरी होगी। और पहली बात तो ये लोग मेरे पोकेमोन में आने के लिए रेडी भी नहीं होने वाले, क्योंकि ये काफी वफादार होते हैं, अपने मालिक के सिवा जल्दी किसी के पास जाएंगे नहीं, तो हम किसी और जगह पर ढूंढ लेते हैं। ओ भाई साहब यहाँ पर भी कितने सारे जियोडूड है यहाँ पर। पर गाइस प्रॉब्लम तो अभी भी वही है, इन सबको भी अंदर रखा गया है, तो यहाँ से भी हमें कोई फायदा होने वाला है नहीं। पर गाइस गौर करने वाली बात ये है कि अगर यहाँ पर इतने सारे जियोडूड है तो आसपास के इलाके में और भी होंगे जिनका मालिक कोई होगा नहीं, हमें बस ऐसे एक जियोडूड को ढूंढना है, बस फटाफट मिल जाए यार। ओ गाइस यहाँ पर एक है, और इसके आसपास तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, इसका मतलब पक्का ये अकेला होगा। जियोडूड, मेरी बात सुनो, देखो फिलहाल मेरे पास एक ही पोकेमोन है, तो क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? ऐसे कैसे आ जाऊं, पहले तुम्हें मुझे हराना होगा, साबित करना होगा कि तुम मुझे रखने के काबिल भी हो या नहीं। ओके, तो गाइस यहाँ पर अपना हिटमोन चैन काम आएगा, तो चलो जल्दी से उसे बुलाते हैं, फेंकते अपना पोकेबॉल। हिटमैन चैन, मैं तुम्हें बुलाता हूँ। बोलो ऐश क्या हुआ? देखो अभी भी मुझे दूसरा पोकेमोन मिला है, वो मेरे पीछे जियोडूड, तुम्हें उसे हराना होगा तभी वो हमारी टीम में शामिल होगा। ओके तुम चिंता मत करो, ये मैं कर लूंगा। जियोडूड समझ जाओ, तुम्हारा मुकाबला एक बॉक्सिंग चैंपियन से होने जा रहा है, ये लो, तुम मेरे मुख के नहीं झेल पाओगी, मेरा पंच पड़ता है बहुत खतरनाक, मैं तुम्हें उठने नहीं दूंगा, तुम्हें ऐश के पास आना ही होगा। तुम मुझे कमजोर समझने की गलती कर रहे हो। मैं तुम्हें कमजोर नहीं समझ रहा, तुम मेरे सामने कमजोर ही हो, अभी तक एक भी बार मुझे मार नहीं पाए हो, मैं तो कहता हूँ तुरंत मान जाओ, कम से कम तुम्हारी पिटाई तो नहीं होगी। अरे बाप रे तुम्हें तो जोश आ गया है, पर ये जोश कब तक चलेगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं किसी के लिए फाइट कर रहा हूँ, वैसे भी पता नहीं मैं कितने दिन मालिक के बिना रहा हूँ, अब ऐश मेरा नया मालिक है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें इतने स्पीड में मारूंगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वैसे तुम्हें देख के हंसी आती है, जब भी मैं तुम्हें मारता हूँ तुम बॉल की तरह उछलते हो। रुक जाओ मैं हार मानता हूँ। ये हुई ना बात, अब तुम इसे अपने पोकेबॉल में डाल सकते हो। चलो गाइस फाइनली हिटमैन चैन ने कर दिखाया, अब जियोडूड भी अपना होगा। जल्दी से अपना पोकेबॉल निकालते हैं और इसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। तो ये रहा मेरा पोकेबॉल, जियोडूड आ जाओ इसके अंदर, अब तुम मेरे हुए। चलो चलो एक तेज रोशनी के साथ ये भी हमारा हो चुका है, तुमने बहुत अच्छा काम किया हिटमैन चैन, पर अब बारी है तुम्हारे भी अंदर आने की। चलो चलते हैं, तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो। हाँ चलो गाइस एक मैच तो हम लोग जीत गए, अच्छा हुआ कि हिटमोन चैन अपने पास था। अब चेक करते हैं दूसरी लोकेशन, ओ ये वाली थोड़ी सी दूर लग रही है, पर कोई बात नहीं हम लोग चले जाएंगे वहाँ पर, फटाफट भागते हैं गाइस। एक तो यार सुबह से चल चल के थक चुका हूँ मैं, तो तीसरे पोकेमोन की जो लोकेशन थी ना वो यही कैसे आ रही थी? एक मिनट,
अभी मैंने कुछ तो देखा। अबे यार वो तो गोल्ड डक है ना, पर ये आदमी उसको मार क्यों रहा है? हे तुम अभी क्या भी रुक जाओ, इसे मारना बंद करो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अबे कौन है बे तू? ये अपन का पोकेमोन है, अपन इसका मालिक है, लीडर है, मैं जैसे चाहूँ इसे ट्रेन कर सकता हूँ। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? तुम भले इसके लीडर हो पर तुम इस तरीके से इसे मार नहीं सकते, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जरा उसकी हालत देखो, ऐसा करोगे तो उसे कुछ भी हो सकता है। अबे जाना यहाँ से, टाइम खोटी मत कर, मैं इसे मजबूत बना रहा हूँ, तुझे समझ में नहीं आएगा। तुम इसे मजबूत नहीं बना रहे हो, कमजोर बना रहे हो। ये ऐसे ही मेरी बात नहीं मानता और मैं ऐसा ही करूँगा, तुम्हें जो करना है कर लो, जाओ जाके कंप्लेन करो। लगता है गाइस ऐसे नहीं मानेगा, तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, अब मर। ओ गाइस इसने तो गन ही निकाल ली, तेरी तो मैं ये ले। आउच यार, पेड़ से लग गया। अब तो ये बिल्कुल गया, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। छुपता का है, ऐसा काम ही क्यों करना जिससे छुपना पड़े तुम्हें? देख तू मेरे पर्सनल मामले में घुस रहा है। ये कोई तेरा पर्सनल मामला नहीं है, तू किसी पर ऐसे अत्याचार नहीं कर सकता। ओहो अभी भी उठ रहा है, तेरी तो सोया रे यहाँ पर। हिम्मत भी मत करना उठने की, क्या चमाट मारी है मैंने इसको। अबे यार फिर से उठ गया, बड़ा ही ढीठ है तू। जब तक उठेगा ना मैं तब तक मारता रहूंगा। अब तो तू ये ले, ये लात खा। अबे यार ये तो बिल्कुल वैसा गया है जैसे तेज पत्थर नहीं फेंकते पानी में, जो टप्पा खा खा के जाता है। चलो पीछा छूटा, अब वो गोल्डक सेफ है, जाकर उससे बात कर लेता हूँ। गोल्डक मेरी बात सुनो, ये जो तुम्हारा मालिक था ना, ये तुम्हारे काबिल नहीं है, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रख सकता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, तुमने मेरी जान बचाई है। देखो यार कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है, मैंने तुम्हें बचाया इसलिए ऐसा मत सोचना, अगर तुम्हें आना है तो ही आओ। जोर जबरदस्ती तो ये मेरे साथ कर रहा था, तुमने तो मुझे बचाया है, और वैसे भी अब मेरा कोई मालिक नहीं है तो तुम मेरे मालिक बन सकते हो। ओके चलो गाइस, गोल्डक भी मान गया है, तो जल्दी से निकालते पोकेबॉल। गोल्डक तैयार हो जाओ, आ जाओ इसके अंदर। अब ये भी मेरा हुआ, अब मेरे पास तीन तीन पोकेमोन है। चलो कम से कम थोड़ी क्वांटिटी तो बड़ी, मैं एक अच्छा मालिक बन सकता हूँ। अब जल्दी से चेक करते गाइस के चौथा पोकेमोन हमें कहाँ मिलेगा। ओ भाई साहब ये तो काफी ज्यादा ही दूर है, थोड़ी मुश्किल वाली बात है पर मैं पहुंच जाऊंगा। अपने को काम ही क्या है इस डायमेंशन में, यही हमारा मिशन है तो हम इसे पूरा करेंगे। देखो चल के तो मैं आने वाला था नहीं क्योंकि ये डेजर्ट में, अब हमें जाके बस उस लोकेशन तक पहुंचना है और उसे ढूंढना है। बस कितने जल्दी मुझे वो मिले और मैं इसे लेके यहाँ से निकलूं। एक तो यहाँ पर गर्मी भी इतनी है ना, इतनी गर्मी में कौन सा पोकेमोन हो सकता है? पक्का ऐसे ही कुछ होगा जो इतनी गर्मी सहन कर सके, या फिर ऐसा कोई जो फायर पोकेमोन हो, वो तो अभी देखने से ही पता चलेगा। वो हमारा अंदाजा एकदम सही निकला, ये तो 40,000 है। इस बार काफी तगड़ा पोकेमोन वाला है, बस कैसे भी करके ये मेरा हो जाए। कैसे हो 40,000? मैं तुम्हें यहाँ पर हासिल करने आया हूँ, क्या तुम मेरे टीम में शामिल होना चाहोगे? तुम हो कौन और यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरा नाम ऐश है और मैं पोकेमोन जमा कर रहा हूँ, मैं खुद की एक टीम चाहता हूँ। पहले साबित करो कि तुम मेरे लायक हो। चलो गाइस इसका मतलब इसे हराना ही पड़ेगा, तो जल्दी से अपना पोकेमोन निकालते हैं। गोल्डक मैं तुम्हें चुनता हूँ, चलो जल्दी से आ जाओ। गोल्डक बताओ ऐश क्या करना है? ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, अगर तुम करना चाहो तो ही करना। तुम्हें सामने दिख रहा होगा 40,000 है, तुम्हें उसे हराना है ताकि वो हमारी टीम में शामिल हो जाए। ये काम कितना भी मुश्किल हो पर मैं तुम्हारे लिए करूंगा, तैयार हो जाओ 40,000 क्योंकि तुम्हारा मुकाबला मुझसे है। क्या लात मारी है मैंने? गर्ल डैक अब ये लो और ये खाओ। अरे बापरे वो तो डर के भाग गया या फिर वो गुस्से में वापस आ रहा है, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बापरे ये क्या हुआ? तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, मैं 40,000 हूँ, तुमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर। मेरा मालिक ऐश है और उसके वजह से मुझे हौसला और ताकत दोनों मिली है, मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, मुझे बस थोड़ी देर का मौका दो। जरा सामने आओ, जाओ यहाँ से, अब देखो मैं तुम्हारी कैसी पुंगी बजाता हूँ। ये लो 40,000। मान गए तुम्हें, तुम पहले ऐसे हो जो मेरे सामने टिक पाए हो। मैं पहला वो भी बनूंगा जो तुम्हें हराएगा, अब देखते जाओ। क्या फटका पड़ा है इसे गर्ल डक, अब नहीं चलेगा तुम्हारा लक। अरे बापरे मानना पड़ेगा तुम भी काफी ताकतवर हो, पर मेरे सामने नहीं, मुझे मेरे मालिक को खुश करना है किसी भी हालत में, मैं उन्हें तुम्हें दे कर रहूंगा, ये मेरा वादा है। मैं आ रहा हूँ, तैयार हो जाओ। ओ तेरी की, अरे बापरे एक तो इसके हमले से गर्मी भी बहुत लगती है। ओ तेरी की, रुक जाओ जरा, मुझे भी एक मौका दो, तुम्हें बताएगा गोल्डक के वो क्या कर सकता है। ये लो मुझ में ताकत बहुत है, अब ये खाओ और ये लो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। उफ्स कोई बात नहीं, मैंने अभी हार नहीं मानी है, तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे 40,000, अभी हार मान लो, मैं नहीं चाहता मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाऊँ। अब तुम गए, चलो ये कमजोर पड़ रहा है, अब ये मेरे सामने बिल्कुल नहीं टिक पाएगा। ऐश तैयार हो जाओ, ये भी अपना होने वाला है और मुझे लगता है कि मैंने इसे हरा दिया है। वाह क्या बात है, मैं 40,000 के सामने टिक गया हूँ। ऐश जल्दी से आ जाओ। ओ भाई साहब गोल्डक यार तूने कमाल कर दिया, तूने 40,000 को हराया।
पाया है? ये बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि ये बहुत ताकतवर है और गुस्सेल भी। मुझे तुझ पर नाज है यार। तुम्हारे लिए कुछ भी। चलो गाइस जल्दी से निकालते हैं पोकेबॉल। चार्लीजार्ड अब तुम भी मेरे हुए, जल्दी से अंदर आ जाओ। चलो ये तो आ गया, अब साइडक तुम्हारी बारी। चलो अंदर जाके आराम कर लो, तुमने बहुत काम कर लिया है, आ जाओ अंदर। और ये मजा आ गया यार, मेरे पास चार्लीजार्ड है। चार्लीजार्ड छोड़ो, मेरे पास पूरी टीम है अभी। अब निकलते हैं यार यहाँ से, आज के दिन काफी ज्यादा काम हो गया। इस डेजर्ट से भी बाहर निकलने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा हुआ कि ये बाइक थी मेरे पास, वरना तो भाई साहब दूसरे साल पहुंचता शहर में। एक मिनट, क्या अभी मैंने मियाओ को देखा? आप ये हमला क्यों कर रहा है मुझ पे? अबे रुक जा, पागल हो गया क्या? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। मियाओ, पर मैं तो कर रहा हूँ। अबे यार ये पागल वागल तो नहीं हो गया है? रुक जा। आउच भाई साहब, यार क्या कड़क मारा है। एक मिनट, अब ये मैं कहाँ पर पहुँच गया हूँ? अबे यार ये केज में किसने डाल दिया मुझे? और वो मियाओ का बच्चा कहाँ पर है? मैं यहाँ पर हूँ। गाइज ये तो टीम रॉकेट है ना? हाँ तुम एकदम सही समझ रही हो, हमें पता है तुम्हारे पास बहुत सारे पोकेमोन है। वो हमें चुपचाप दे दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। इन्होंने तो मुझे फंसा दिया है, अगर मुझे यहाँ से निकलना है तो इन्हें पोकेमोन देने पड़ेंगे। देखो तुम ज्यादा नहीं सोच सकते, मैं तुम्हें बस एक मिनट का टाइम देता हूँ, या तो अपनी जान या तो फिर वो पोकेमोन, हमें वो सारे के सारे चाहिए। गाइज यार मुझे कुछ करना होगा, अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो अपने सारे पोकेमोन बाहर निकालने होंगे। सब लोग बाहर आ जाओ, जल्दी आ जाओ यार। चलो गाइज ये रहे अपने सारे पोकेमोन। अब बारी है गाइज थोड़ी चालाकी दिखाने की। चार्लीजार्ड मैं चाहता हूँ कि तुम उनके सामने चले जाओ। अच्छा ठीक है, अभी जाता हूँ। पता नहीं ये मुझसे क्या करवाना चाहता है। एक मियाओ, तुम इससे डर रहे थे? तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है? तुम्हें मुझसे डरना ही चाहिए। चार्लीजार्ड इन्हें जला के खाक कर दो। अब आएगा मजा गाइज। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? जो तुमने सुना अब ये लो। अब करो अपना मेगा ब्लास्ट और इन्हें यहाँ से फेंक दो। अभी करता हूँ, तैयार हो जाओ, तुम सब गए। अब सीधा आसमान में। ये तुमने बहुत गलत किया। ये लो ऐश, तुम्हारा काम हो गया है, अब हम सब लोग आराम कर सकते हैं ना? अरे हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो। तो चलो गाइज यार आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। उसी के साथ हमें फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर, आईडी स्क्रीन पर आ रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी।